नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सोनी छिंदवाड़ा से। आज हम बात करेंगे लहसुन पर और जानेंगे आज का क्या दाम रहा और आने वाले समय में क्या दाम रहेगा। हम जानेंगे यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी अशोक साहू जी से कि आज का क्या दाम रहा। जी, आज का लहसुन का क्या दाम? हाँ मुकेश भैया, लहसुन में कहीं ना कहीं थोड़ी तेज़ी देखी जा रही है। आज भी 5-6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो तक लहसुन यहाँ पर टाइट बिका है। आज जैसे पिछले मैंने उसमें इंटरव्यू में बताया था आपको कि लहसुन की जो अपनी MP की कुछ मंडियाँ हैं जो 4 दिन के लिए छुट्टी थी, और वो आज मंडियाँ खुली तो सभी, जहाँ से भी जानकारियाँ मिल रही है, तो प्राय सभी जगह 5-7 रुपये की तेज़ी देखने को लहसुन में मिल रही है और सभी जगह उठाव अच्छा है। और आज हमारी MP की नीमच मंदसौर की मंडियों की भी जानकारी मिल रही है कि हिमाचल का लहसुन पहले जो दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में आता था, वो आज हमारे MP में भी वो लहसुन पहुँचा है और 211-215 रुपये किलो तक उनकी अच्छी क्वालिटी का लहसुन वहाँ पर बिका है। लहसुन में निरंतर तेजी सभी लोग का अंदाज़ा है, हमारा भी है, और तेज़ी देखी भी जा रही, क्योंकि लहसुन जब निकल रहा था, जब किसानों का रेट था 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो, अब वही लहसुन सीधा 50 वाला 100 से लेकर 150, 180, 200 रुपये के बाजार यहाँ पे लहसुन के हो रहे हैं। क्या वजह? वजह कुछ नहीं है, खपत के हिसाब से माल कम है। जितनी पैदावार थी उतनी पैदावार तो हुई है, मगर माल जो पहले पिछले बार जो शॉर्ट था उसके कारण जो स्टार्टिंग में माल निकल गया मार्केट से, वो बहुत सारा माल किसानों का जा चुका है, और स्टॉक जिनके पास है वो अभी सभी लोग रोक रोक के बेच रहे हैं। हम भी यही सलाह दे रहे हैं किसानों को भी कि आप रोक रोक के माल बाजारों में लाइए और आपको बढ़िया व्यवस्थित भाव मिलते चला जाएगा। अभी MP में किसानों के पास लहसुन होगा? है, जितना अपने को ज़रूरत है उतना लहसुन है, और निर्यात यदि खुलता है तो उसकी पूर्ति होगी, मगर चूँकि कहीं ना कहीं बाजार उसमें तेज़ी का रहेगा, बाजार टाइट होगा। निर्यात का भी जो बता रहा है चल रहा है कि हो सकता है 8 दिन में 4 दिन में कभी सरकार की किसानों की तरफ यदि नज़र पड़ी और यदि निर्यात खुलता है तो फिर से 10-20 रुपये तेज आसानी से हो जाएगा लहसुन। धन्यवाद। तो अशोक साहू जी का कहना है कि लहसुन में यदि निर्यात खुलता है तो किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है, आने वाले समय में इसमें और अच्छे दाम मिलने की उम्मीद रहेगी। मैं मुकेश सोनी, मार्केट टाइम TV छिंदवाड़ा से।